दोस्तों उन लोगों के पास बिल्कुल मत जाओ जो तुम्हारे सामने केवल पैसों की ही बातें करते हैं, हर वक्त हर चीज की कीमत तुम्हारे सामने रखते हो। ऐसे लोग सिर्फ पैसों से ही दोस्ती का अंदाजा लगाते हैं और हर बात में वो बोलते रहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये लोग आपके सामने भले ही भोले बनने की कोशिश करते हों लेकिन पीठ पीछे आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का विचार आपके प्रति सिर्फ इतना रहता है कि ये वही सोचते हैं कि ये हमसे नीचे है, इसके पास पैसा नहीं है, और फिर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत जाओ जहां दो कौड़ी का इंसान अपनी हैसियत का गुणगान करता हो। और दोस्तों ये लोग जो हर समय तुम्हारा मजाक बनाते हो उनके पास कभी मत जाओ। मान लिया आपसी मजाक चलता है लेकिन हर जगह नए शख्स के साथ आपका मजाक बनाता हो, आपका इंसल्ट करता हो, तो ऐसे शख्स से आप हमेशा दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ऐसे लोग आपको अंदर ही अंदर बहुत कमजोर बना देते हैं। तुम ये भूल जाओगे कि तुम क्या क्या कर सकते हो, उसकी बातें तुम्हारे दिल और दिमाग में ऐसे घर कर जाएंगी जो तुम्हें अंदर से बिल्कुल खोखला कर देगी, और तुम्हें लगने लगेगा कि तुम एक लूजर हो और तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में कोई भी शख्स न लूजर है न कमजोर है, ये हमारी अपनी अपनी सोच होती है जो हमें इन लोगों के संगत में रहने से हमें ऐसा बना देती है। तो याद रखना ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग आपके पास बैठे रहते हैं और आपसे बातें करते हैं, लेकिन जब भी आप उनसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हो या कोई भी ऐसी बात उनसे बोलते हो जो आपके दिल के सबसे करीब है, तो कई लोग उसे ध्यान से सुनने के बजाय इधर उधर आंखें घुमाने लगते हैं और तुम्हें इग्नोर करते हैं। तो समझ जाओ कि ये बंदा आगे जाकर आपको धोखा देगा। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहो और इन्हें सिर्फ वही बात बताओ जितनी ये तुम्हें बताते हैं। अपनी कोई भी बात इन लोगों से शेयर मत करो, क्योंकि अगर आप इन्हें कोई भी बात ऐसी बता देते हो जो तुम चाहते हो कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स तक रहे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सीक्रेट बातों को कई लोगों तक पहुँचा देते हैं जो आपको आगे चलकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कभी उन लोगों के साथ बिल्कुल मत रहो जो आपसे हमेशा हेल्प मांगते रहते हैं। ये लोग तुम्हारी कभी अपने नहीं बन सकते, ये आपका तब तक साथ देते हैं जब तक आपकी ज़रूरत हो और आप इनकी मदद कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई मदद नहीं मांगे, जो अपने हैं वो आपसे मदद मांगेंगे जरूर, लेकिन जिस दिन आप पर भी भारी मुसीबत आएंगी सबसे पहले यही आपको हेल्प करेंगे। और दोस्तों तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जो उसको बोलने की समझ ना हो, यानी कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देता हो, उसका दिमाग हमेशा बच्चों की तरह हो जो सही वक्त पे भी सीरियस ना हो, ऐसे दोस्त को कभी ऐसे जगह पे मत लेके जाना जहाँ तुम्हारी मान सम्मान और इज्जत हो, क्योंकि ऐसे मित्र आपको हमेशा परेशानी में ही डालेंगे जहाँ तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि वहाँ तुम्हें माफी भी मांगना पड़ जाए। ऐसे लोगों को साथ रखो लेकिन अपने ऐसे करीबी दोस्त से कभी मत मिलवाओ जो तुम्हारी इज्जत करता हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी इज्जत का हलूदा बन जाएगा और तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत ठेस पहुँचेगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए योर लाइफ मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।